Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class, I am going to start the new chapter, NCERT Exercise Chapter 1, Class 10th Mathematics, Real Numbers. So in this class, what exactly you are going to learn? I am going to discuss Euclid's division lemma. Let's see. Euclid's division lemma. कौन था यूक्लिड? एक मैथमेटिशियन जिसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है. उन्होंने एक किताब लिखी, उनका किताबों का एक कलेक्शन है एलिमेंट्स, इसमें 13 अलग अलग तरह के मूक्ष हैं, और उन्होंने इस बात को जिक्र किया और भी कई सारी बातें उन्होंने बोला है उसमें. तो यूक्लिड्स के बारे में हमने यहाँ देखा कि भाई ये मैथमेटिशियन है, ज्योमेट्री का फादर भी कहा जाता है. नाउ यू सी दैट डिवीजन, इट इज अ सिंपल डिवीजन प्रोसेस. एंड व्हाट इज द लेमा? इट्स सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव सम अदर स्टेटमेंट. मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूफ है और दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव सम अदर स्टेटमेंट. सो दिस कॉल्ड एज द लेमा. सिमिलरली, सो इट इज अ डिवीजन प्रोसेस. सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द डिवीजन. व्हाट एग्जैक्टली इज द डिवीजन, राइट? सो इफ यू आर अवेयर विद द डिवीजन प्रोसेस, आई नो, सो जस्ट आई विल रिकॉल इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिवाइड द 37 बाय 5, सो हियर वी विल गेट 5, 7, 35 and 2. This is the normal division process. And in this process, you also know that what is 37? If I call it as the 37, it represents something. What is 37? So if you represent 37, right, this is division. This is dividend. 5. The number you are dividing is the divisor. So you know, this is divisor. What is this? This is quotient. Now, the number you left after dividing, what is less than the number you are dividing? This is called as 5. So this is called as remainder. So we know, what is dividend? What is quotient? What is divisor? And what is remainder? And you know the basic relationship between this from basic that you know. Right? So you know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Fine. So basically you know it. There's always confusion, nothing else. Right? Any number. In this case, if you write it, dividend is 37. And what is divisor is 5. You know, what is quotient is 7. And what is remainder is 2. So here I'll get 37 plus 5 plus 7 plus 2, which is mathematically true. Now the question arises that what exactly is the Euclid's division lemma? This is not the long division process. They have observed for any two real numbers. देखो, उन्होंने generalize कर दिया. They have observed for any two real numbers, whether it is positive or negative. However, real number is that it may be the positive and negative. But initially, they have given this definition for two positive numbers, A and B. A और B दो positive number ले लिया. और हम कहें तो पॉजिटिव इंडीज रही है. लेकिन आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर, इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉजिटिव इंडीज, कैन यू अप्लाई फॉर नेगेटिव इंडीज? यस ऑफ कोर्स, इट कैन बी अप्लाइड फॉर नेगेटिव इंडीज एज वेल, बट एट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई. जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो पॉजिटिव इंडीज के लिए ही था. तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है एस ए और बी, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ए कोई नंबर है जिसको अगर हम बी से डिवाइड करें तो वो बी हो जाएगा. Q और प्लस R होता है, कुछ ऐसा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन. सो दिस डिवीजन प्रोसेस हैव बीन अप्लाइड टू एनी रियल नंबर्स एंड हैव बीन जनरलाइज्ड. और व्हाट एग्जैक्टली द मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट डज, ठीक है? कोई भी साइंटिस्ट क्या करता है कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविजन है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, उसमें ऑब्जर्वेशन करके कि भाई कोई भी नंबर हमने डिविजन सीख लिया,
लेकिन दे आर अप्लाइंग फॉर इन जनरल फॉर रियल नंबर्स एंड पर्टिकुलरली दे हैव टेकन फॉर द सिंपलिसिटी इनिशियली इफ यू आर गोइंग फॉर लर्न एनीथिंग राइट सो वी टेक द सिंपल नंबर्स राइट एवरी फर्स्ट लर्निंग इज सिंपल तो सबसे पहले आसान चीजें सीखो मुश्किल चीजें धीरे धीरे सीख लोगे सो हियर वी विल सी दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अब आपने देखा जो R है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मेरा रिमाइंडर है वो हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा हो रहा है सो इफ आई टेक दिस रिमाइंडर R, रिमाइंडर R इज ऑलवेज लेस देन फ्रॉम व्हिच वी आर डिवाइडिंग सो वी आर डिवाइडिंग हियर विद द B. और रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है तो जीरो हो सकता है जीरो इक्वल और इक्वल भी हो सकता है रिमाइंडर नहीं भी है रिमाइंडर जीरो हो सकता है यानी कंप्लीटली डिविजिबल जाए तो यहां पर जो है अगर रिमाइंडर जीरो हो सकता है इसलिए इक्वलिटी लगा जो आर रिमाइंडर को डिनोट कर रहे हैं और लेस देन बी जिसे हम डिवाइड करें यानी डिवाइजर है सो दे हैव ऑब्जर्व एंड दे ऑब्जर्व दैट इफ देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी एंड इफ आई से ए लेस देन बी ना 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 ए ग्रेटर देन बी कहो तो ज्यादा बेटर है ए ग्रेटर देन बी अंडरस्टूड मतलब जिसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा बड़ा होना चाहिए जिससे डिवाइड करेंगे मतलब डिवाइजर डिवाइजर हमेशा छोटा होना चाहिए सो हियर ए ग्रेटर देन बी मींस वी आर डिवाइडिंग ए विद बी विल गेट सम कांस्टेंट कोशेंट सम एनी नंबर पॉजिटिव नंबर एंड देन आर इज द रिमाइंडर सो दे हैव जनरलाइज्ड इट एंड दे रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म्स ऑफ द थ्योरम हालांकि इसको जरा हम समझते हैं कोई भी दो नंबर हो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं एनसीईआरटी ने अंडे तोड़ने वाले का एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा वो कभी बाद में बताएंगे अलग से उसकी जरूरत नहीं है अभी अंडरस्टूड दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स सो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दैट आई एम गोइंग टू राइट इट चलिए देखते हैं विल टेक द स्टेटमेंट of Euclid's division lemma here at this time. So, a statement, yani aapka jo theorem hai kitab ka, ye 1.1 hai, Euclid's division lemma. Euclid's, mathematician the, haan to aap geometry kehte hain, Euclid's डिविजन लेमा यू नो नॉट लेमा और डिविजन की बात कर रहा है क्या कहा उन्होंने कहा कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर ए एंड बी वेयर जहां पर उन्होंने डिफाइन किया A greater than B, there exist, या ऐसे कर दो, where A A A greater than B, A is equal to B cube plus R, okay? Such that zero less than R, less than B, where Q is any positive number. Is any natural number बोलो या positive integer बोलो Q is any natural number ठीक है so for any Q we are talking about individually the positive number but the chapter name is real number उसमें negative भी बातें आ जाती जो शुरू में मैंने बोल दिया था so you will think about that कि whether I will take the negative or not of course First, take it for positive. It can be applied to the negative as well. लेकिन original definition क्या था? तो क्या था definition जो division division लेना था? अरे दो number A और B division की बात कर रहे हैं ना? A और B. तो A और B के बीच में division करना है. A को B से divide करना है. और वो वाला लिखना है dividend जो लिखाया है. Dividend is going to divide into quotient plus remainder वही लिखना है. यानी A is going to be Q plus R. But you know, but you don't have to remember it. यहाँ पर याद नहीं रखना है क्योंकि मैं अगर A को B से divide कर रहा हूँ तो A is going to be Q plus R लिख रहा हूँ और हमें पता होना चाहिए कि remainder की value हमेशा यही काम आता है जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी यही आएगा ये इंपॉर्टेंट है इससे प्रॉब्लम होता है फाइन ये तो थ्योरम हो गया इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अब सवाल उठता है कि सर इसका यूज क्या है ये जो
डिविजन एल्गोरिथम्स ये क्या है? इन जनरल समटाइम्स इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय, कई लोग इसको यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम कह रहे हैं, एक तरह से डिवाइड करने, तो डिवाइड क्या करें, डिवाइड तो हमें आता है ऑलरेडी, फिर इसका क्या यूज है? नॉर्मली इट इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में अगर एचसीएफ निकाला है, जिस मेथड को यूज करिए सक्सेसिव डिवीजन मेथड्स कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मली जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम डेवलप किया गया था शुरुआत में, उसमें इसी चीज को यूज की गई थी। सबसे पहले आप देखेंगे कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ये नया होगा लर्निंग, इट विल बी द न्यू लर्निंग, बिकॉज डिवीजन यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू टीच द डिवीजन मेथड्स एट दिस टाइम फॉर क्लास इज 10th स्टूडेंट, बट हियर यू कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर हाउ, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लाइन। टेक वन एग्जांपल, हियर एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे दो नंबर के बीच में। नंबर मैं लेने वाला हूं 1। यहां पर हम लेते हैं एक नंबर, यहां पर एक नंबर लेते हैं 455 and 42। सो रेंज दिस नंबर, दो नंबर लिया, बड़ा लिया जाए मुझे, छोटा ले सकता 17 और 5, अरे वेरी इजी, बट आई हैव टेकन दिस राइट, आई जस्ट मेंशनड इन एजी एज वेल। So here we'll see that 455 and 42, and we have to find this here by using the Euclid's division algorithm. अब आप पूछोगे सर Euclid's division lemma जो हमने है कैसे लगाएंगे? Actually it is sequential steps. इसमें तीन steps होते हैं। Step one क्या कहता है? लिखना नहीं, याद नहीं करना, समझा देता हूँ। Step one क्या करता है? याद नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ समझना है कि division algorithm है, तो पहले जो number देना है, पहले number से दूसरे को divide करके लिख डालो। कैसे? A is going to be given as half before me. 42 से डिवाइड करो और परसेंट रिमाइंडर करके लिख दो, पहला स्टेप। अगर पहले ही स्टेप रिमाइंडर जीरो हो गया, जिस स्टेप रिमाइंडर जीरो हो जाएगा वही एचसीएफ होता है। लेकिन अगर दूसरे स्टेप में एचसीएफ जीरो ना हुआ, तो अगला स्टेप फिर से करो, फिर से डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करो, तब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए, और हर बार डिवाइड करके ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते चलोगे। समझ आ गया? यहां पर हम वही करेंगे, इसमें स्टेप वन है मतलब डिवाइड, मान लीजिए कि ये ए है आपका, ये बी है, सो डिवाइड ए बाई बी, मतलब ए को बी से डिवाइड करो और इस फॉर्म में लिखो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखो। एंड स्टेप टू क्या होता है इसमें? टू फाइंड द एचसीएफ। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, हमने डिवाइड करा, हमने ऐसा लिख दिया, जैसे इस वाले केस में हमने 42 को, मतलब अगर कुछ नहीं भी किया ऐसे लिख सके, क्या डिवाइड कर रहे हैं 445, इसको साइड में लिख देता हूँ, मतलब इस वाले केस में यही लिख देता हूँ, 455 को आपने डिवाइड करना है 42 से, कुछ तो यहां आएगा, कुछ तो यहां पर आएगा, तो देखो क्या है, 10 आएगा तो 420 हो जाएगा, बचेगा क्या यहां पर 35। अरे 10 से करोगे तभी तो 420 होगा, और 420 में 35 दे दोगे तो 455 हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ स्टेप टू क्या कहता है कि अगर इस वाले स्टेप में यहां रिमाइंडर जीरो हुआ क्या, यहां रिमाइंडर जीरो हुआ क्या, यहां रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम करने वाले हैं राइट, इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिवाइड अगेन, सो हियर आर नॉट इक्वल टू जीरो, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर इफ वाला स्टेटमेंट आता है, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो देन डिवाइड अगेन, देन डिवाइड अगेन अंटिल डिवाइड अगेन, बट इफ If R is equal to 0, then HCF is equal to, वो जो भी आएगा यहां पर आप लिख सकते हैं in this step. But अगर नहीं आता है तो एक स्टेप और करते रहेंगे, रीडू, फिर से डिवाइड करें और लिखते चले जाएं। समझ आ गया? तो यहां पर हमने देखा कि मान लीजिए मुझे 455 को 42 से डिवाइड करना है, मुझे HCF निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे हम? यहां पर मैंने 455 लिया है और इसको 42 आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हैं।
बच्चे की तरह यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे इसको 455 को और 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 42 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक बार में जाएगा 42, यहाँ पर बचेगा 5 और 2 ये 3, और यहाँ पर बचा 5, नहीं लगा तो 0 आ जाएगा और ये 35 बच जाएगा जो भी 10 के बराबर है। अब ये इस वाले स्टेट में हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फिर से, तो अभी हमने किससे डिवाइड किया था, 42 से डिवाइड किया था, तो अगला स्टेप क्या होता है कि अब ये 10 नहीं, ये तो कोसेंट है फॉर एनी क्यू, इसको छोड़ देना, 42 और 35 को फिर से एक बार हम डिवाइड करेंगे, तो 35 को क्या लेंगे, ये रिमाइंडर है और ये यही तो ऑब्जर्वेशन था यूक्लिड्स का कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजन और रिमाइंडर के बीच में, डिवाइजन और रिमाइंडर बी और आर डिवाइड होता जाएगा, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि 35 को फिर 1 करेंगे, यहां पर आ जाएगा 7, अंडरस्टूड नाउ। अब यहां पर फिर से रिमाइंडर 7 है, मतलब ये 0 नहीं आ रहा है, विल डिवाइड इट अगेन, अगेन डिवाइड करेंगे तो अब ये हो जाएगा 35 7 इंटू 5 प्लस 0, इस वाले स्टेप में रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0, यू सी इट हियर द रिमाइंडर इज 0, तो यहां पर हम लिखेंगे रिमाइंडर 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो यहां पर सिग्नल आ जाना चाहिए, यस ऑफ कोर्स, सो डिवाइजर इन दिस स्टेप विल बी द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, यहां पर जो डिवाइजर आया हमने 7 से डिवाइड किया, ये तो कोसेंट है क्योंकि रिमाइंडर ही डिवाइजर होता है, तो ये वाला 7 जो है यहां पर दिस इज एचसीएफ ऑफ 45 एंड कौन सा नंबर लिया था हमने 42 इज 7, 7 आ गया, ठीक है। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि आप किसी भी स्टेट में अगर एचसीएफ 45 और 42 का निकालो, 42 35 का निकालो, 35 और 7 का निकालो, you'll get the same result. So that is quite obvious and it has been used for programming languages as well. जब किसी ने C language सीखोगे आगे जाके, या अगर सीख रखा होगा, आजकल तो बच्चे सीखते हैं, तो उसमें नॉर्मल यही सब छोटी चीटी चीजें जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, काउंटिंग, डिवीजन, ये सब चीजें सिखाई जाती है और फिर उसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज, इसमें बातें क्या ध्यान रखना है कि डिवीजन एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, यहां पर हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है, अगर मैं इसको रफ करता हूं, यहीं पर लेता हूं, इसको कई बार यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कहा गया है। देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, अगर पहली बार जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो मैं यहां बता देता हूं। इफ यू टॉक अबाउट द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है कि इट इज अ सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, कि अगर कोई टास्क है अगर उसे मुझे कंप्लीट करना है तो वो स्टेप्स क्या होंगे वो मुझे लिखना है, दैट इज द एल्गोरिथम। जैसे इस वाले केस में अगर मुझे 455 को 455 और 42 को डिवाइड करना था, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, दैट आई विल गोइंग टू राइट, देयर मे बी सर्टेन स्टेप्स व्हेयर आई हैव पिक्ड द डिसीजन, वो इफ वाले स्टेटमेंट होते जहां पर रिमाइंडर 0 था या नहीं था, इसको लिखने को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। सो समटाइम्स कॉमनली द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज आल्सो कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कॉमनली कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। So we'll see that Euclid's division algorithm step by step process है, कोई भी number दे दो मैं उसका HCF निकाल सकता हूं, तो mostly इसका use एक जो सबसे ज्यादा use है वो HCF निकालने के लिए use किया जाता है, क्या Euclid's division lemma, fine, okay। So sometime, now we'll ask the question, is a question किस तरह का आता है? The question is asked, find the
फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर दिस एंड दिस यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम्स और इक्लूड्स डिवीजन लेमा, ऐसा लिखा रहता है उसमें। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो उसमें ऐसा लिखा रहेगा, तो उसमें लिखा हुआ इक्लूड डिवीजन लेमा से, तो ऐसे करके नहीं, वो जो नॉर्मल मेथड है उसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चा करते कहता है कि सर इसको तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, वो चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ कहता हूं कि 455 और ये जो मेथड्स था ये इसको 42 से नहीं, जैसे नॉर्मल जो डिवीजन मेथड्स है वही कर लेंगे, 455 को 42 से डिवाइड किया, फिर 35 को ऐसे 42 से कर दिया, ये वाला जो मेथड है, ठीक है, तो वो नहीं लगा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है यू हैव टू डू विद द इक्लूड्स डिवीजन लेमा, देन डेफिनेटली यू हैव टू डू विद द इक्लूड्स डिवीजन लेमा, यू हैव टू फॉलो दिस। सो वन प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू डू इट, यू कैन सी द स्टेप्स एंड प्रोसेस, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं और आप देख लीजिए मैं इसको कैसे लिखता हूं। ओके, क्वेश्चन आएगा इस तरह का, मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड 135 एंड 225, ऐसा नहीं लिखा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, इवन एनी नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि 125 भी होता तो होता, वो एक बार में लग जाता, इसलिए मैंने थोड़ा लग लिया है, अंडरस्टूड, और आपकी किताब का प्रॉब्लम नहीं होता, देख लेना कौन से नंबर है। सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग, इसमें स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहता है, यूजिंग इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम, using Euclid's division algorithm, ठीक है, देखिए लिखा है ना, साफ शब्दों में लिखा है, Euclid's division algorithm से करो इस प्रॉब्लम को, कैसे करेंगे देख लीजिए, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना, लेट ए किसको मानोगे, लेट ए इज इक्वल टू क्या है इसमें, ए इज इक्वल टू जो बड़ा होगा सबसे ज्यादा 25, अंडरस्टूड, एंड व्हाट इज बी जो छोटा है दोनों में वो 125 है। नाउ अप्लाइंग, कैसे लिखना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहां देखेंगे ये जो हमारा नंबर है ये 225 है और इसको लिखेंगे 125 इंटू 1, तो डिवाइड कैसे करेंगे, छोटे वाले से करते हैं डिवाइड, और ये साइड में बच्चे की तरह ऐसे करके रख सकते हो, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों की बात करता हूं जो आए डायरेक्टली कैलकुलेशन कर ले तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स दे फेस डिफिकल्टी, तो उनके लिए कह रहा हूं ये ऐसे चुपके से कोने में कर लेना, वहां से यहां लिख देना क्या, अरे 135 को ऐसे लिख देंगे 5 से 0, 12 में से 3 या 9, और ये कैंसिल नहीं, तो यहां पर कोसेंट लिखते हैं और जिसे डिवाइड करेंगे वो पहले लिखेंगे, उल्टा पुल्टा मत कर देना, 1 इंटू 135 ऐसा भी लिख लेते हैं, ऐसा मत करना, 135 इंटू 1 प्लस फिर रिमाइंडर बाद में, यही तरीका है इसका, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर रिमाइंडर पहले, 90 पहले लिख लेगा, ऐसा मत करना। नाउ नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू the divisor and the remainder, so I am going to take here the divisor, जैसे divide किया था पहले वाले step में, 135 will be divided by 90, so 90 first and then 1 and then plus 45, अगर नहीं होता है तो ऐसे कर लो, चुपके से कर लो, इधर 135 को 90 से divide करो, so we'll get 95 divided, so I am making this video for all the students who are slow learner, average learner and fast, उस तो लुप्त ही होते आपकी तरह ऐश भागते, तो इतने इंटेलिजेंट लोगों को तो कौन पढ़ाएगा, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है या जो थोड़ा कम समझते हैं, सो फोकस इज दैट फॉर दैट आल्सो। यहां पर देखेंगे अब इस वाले सेकंड स्टेप में, ये मेरा पहला स्टेप है, आप बढ़ते चले जाइए,
Now, what is the second step here? So, we are going to write here the 90 is equal to 45 into 2 plus 0. So, in this case, in this step, we are going to have remainder 0. Remainder 0 aaya, iska matlab usi step pe jo divisor tha, wahi to HCF hai. So, I will write here the HCF of remainder 0 aaya, in term, yahan aaya signal, aur yahan par hum kahenge HCF of 225 and 135. यहां पर हम छोटा वाला पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी. नॉर्मली ए और बी भी लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हो, एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 45. सो इन दिस स्टेप वी हैव गॉट द रिमाइंडर एज जीरो. ये हमें रिमाइंडर जीरो मिला है. समझ आया कि नहीं आया? सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस. 45 इज द एचसीएफ, दिस इज द आंसर. So by this way, you can solve the remaining problems, right? There is one type of problem. Another type of problem is that where you have to prove that a given number in the form of 2p plus 1, 2p plus 2, 2p plus 3 like that, 3p plus 1 like that. So any positive number, odd number, even number. So sometimes instead of giving the numbers, they want to prove that any numbers, if I divide it by the 3, 2, 4, 5, 6, 9, their square, their cube. So that kind of problem also comes. So I am going to introduce another type of problem, only one problem in this lecture, and remaining the exercise problem I will discuss separately in the question NCERT exercise section, right? So now I am going to start the another problem, type 2 problem, where instead of giving the numbers, they will give you the general problems like any numbers which is odd or even in the form of 2p plus 1, 3p plus 1 like that. So, वो एक problem दे देते हैं यहाँ पर. देखिए, इसको रखता हूँ. Here we see that the question है, वो जरा देख लेते हैं. Question लिख देता हूँ यहाँ पर मैं statement. ये question 2 है. ऐसे बहुत सारे question बनाए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोला है कि प्रूव दैट सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3, right? So that any positive odd number in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. यहाँ पर कोई number नहीं दिया जिसको हमें divide करना है. हमें prove करना है कि either odd or even ये कुछ भी हो सकता है. 4q plus 1 हो, 4q plus 4 any, where q is any. Q is any positive integer. So for this number we have to prove it. अब हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आ ही जाता है, चाहे वो टर्म वन का एग्जाम हो, क्लास टेस्ट हो, कहीं पर भी तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसको ध्यान से देख लीजिए, आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे. बहुत ही आसान है. देखो कोई भी नंबर दे दे, जैसे ही दिखाई देगा कि किससे यहां पर डिवाइड है, 4 से 4 से, मतलब मान लेंगे कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो दुनिया का पॉजिटिव नंबर ए है, वो कुछ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. सो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें नहीं पता, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. यहां पर हम ये मान लेते हैं ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे. यहां पर 4 4 जो ये कॉमन दिखाई देगा, इसका मतलब जरूर इसको 4 से डिवाइड किया गया है. ये सब 4 से डिवाइड बाय 4. यहां पर लिखेंगे हम b के बारे में, क्योंकि हमने क्या लिखा है यार, हमने लिखा है a is equal to bq plus r. अरे भैया a is equal to bq plus r लिखा है ना, मतलब a और b दो पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करते हैं. qr तो अपने आप आएगा, आपको पता करना है कि a क्या है और b क्या है. यहां पर हमने a माना और b तो अपने आप आ जाएगा जो ये 4 4 है. यानी हम कहेंगे a is any positive integer and b is 4. क्यों है 4 क्योंकि 4 से डिवाइड है. सर अगर वो 2q plus 1 होता तो मैं 2 मानते b को, 2q plus 3 होता तो
अरे कुछ भी, क्योंकि प्लस थ्री होता तो टू मानते आप बी को, दिस विल बी बी, समझ आया? तो बी के बारे में कोई घबराने की बात नहीं, अगर सिक्स होता तो सिक्स लेते, फाइन। सो वी नो दैट हियर वी हैव डिवाइडेड हियर ए इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन इस केस में ए तो हमारा एक नंबर है और हमारा बी क्या है, फोर है, और क्यू हमें पता नहीं, और ये आर होगा। अगर ये यही होगा तो मुझे बताओ कि फटाफट से आर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी योर आर, क्योंकि आर रिमाइंडर है, डिवाइड किससे किया, फोर से, अरे फोर से छोटा ही होगा या जीरो के बराबर होगा, यानी आर का जो रेंज है जीरो लेस देन आर लेस देन फोर, ये लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ये जब भी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना जीरो लेस देन आर लेस देन बी, तो बी तो ऑलरेडी ने ऑलरेडी माना है, अरे जीरो लेस देन, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो सकती है, है? और बी से छोटी होगी, बी के बराबर भी नहीं होगी, बराबर भी होगी तब भी लग जाएगी, यानी जीरो लेस देन आर लेस देन बी, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, यानी आर की वैल्यू यहां पर क्या क्या हो सकती है, तो आर कहां से स्टार्ट है, जीरो से, तो आर की वैल्यू यहां पर हो जाएगी जीरो, देन वैल्यू ऑफ आर विल बी वन टू एंड थ्री, देयर इज नो फोर, मतलब इसका मतलब जीरो से फोर के बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जीरो भी लो, क्योंकि जीरो पे इक्वालिटी लगा हुआ है, फोर मत लेना, फोर से छोटा दैट इज थ्री, सो हियर आई विल राइट जीरो वन टू थ्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, अंडरस्टूड, सो वी हैव फोर वैल्यूज ऑफ आर, this is my required expression here for this problem, a is equal to 4b plus r, b force element, yeah, ye mera final problem hai ji, understood, ab r ki aapke paas char value hai, to char value ko hum likhenge, a ki value likhenge 4q, theek hai, aur plus, to 4q plus r ko main aise likh deta hu, ये वाला इसमें, अब बताते चलो कि r की वैल्यू रखेंगे क्या क्या, r की वैल्यू जीरो रखोगे, जब r की वैल्यू जीरो रखोगे दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, दिस इज 4q, तो a 4q के फॉर्म में होगा, इसका मतलब ये है कि a आपका 4q के फॉर्म में होगा, ऐसे ही अगर मान लो r की वैल्यू हमने 1 रखा तो a हमारा 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, फाइन। सिमिलरली बाकी भी लिख सकते हैं, r की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, यहां पर 4q प्लस 2 हो जाएगा, और r की वैल्यू अगर 3 रखेंगे दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां पर आप मुझे बोलोगे सर आपने ये क्यों लिखा है, 4q प्लस 3 क्यों लिखा है, ये दो दो सेम सेम क्यों लिखा है, एक जैसा लिखने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, अदरवाइज ये ही स्टेप है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ये एक जैसा लिखे, इसलिए मैंने ये स्टेप ऐड किया है, अंडरस्टूड, तो ये चीजें आ गई है। अब हमारे पास 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 4q प्लस 3 है, अब हमें ये देखना है कि इस वाले केस में कौन सा केस, हमें क्या बोला है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर, तो कुछ नंबर होंगे जो इवन भी हो सकते हैं, कुछ नंबर हैं ऐसे ऑड भी होंगे, हमें ऑड वाला दिखाना है, तो देखना है कि अगर मुझे 4q, a इसका मतलब होगा कि a या तो 4q होगा, a या तो 4q प्लस 1 होगा, a या तो 4q प्लस 2 होगा, 4q प्लस 3 होगा, यानी अगर 4q होगा इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं 4q इसका मतलब होता है 2 * 2q, अरे दुनिया का कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और 2 * 2 की फॉर्म में लिख दो, इसका मतलब ये होगा कि 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, जानते हो इवन नंबर है, सो हियर आई विल से दिस इज इवन नंबर, समझ आ रहा है, नाउ इफ यू से इट दिस 4q प्लस 1, अरे कोई भी नंबर अगर इवन है उसमें 1 ऐड करोगे तो झट से ऑड आता है, नहीं विश्वास, 2 एक ऐड करो, 2 प्लस 1 3, ये क्या था इवन, ये क्या हो गया ऑड, अरे नेचर है भाई, अगर इवन में एक ऐड करोगे तो ऑड मिलेगा, ऑड में एक ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, वेरी सिंपल, यानी अगर ये प्रूव कर चुके हैं कि इवन नंबर है तो ये क्या है, दिस इज 4q प्लस 1, दिस इज एग्जैक्टली ऑड नंबर,
कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इवन में एक ऐड करोगे तो ऑड आएगा, और ऑड में एक ऐड करोगे तो इवन आएगा। यानी अगर हम इसमें 4q+2 में ऐड करें, 4q+1 को हम लिख सकते हैं 4q+1+1। यस और नो? अगर मैं 4q+2 को 4q+1 लिख सकता हूं, और 4q+1 मेरा ऑड था, ऑड में एक ऐड करेंगे तो ये मेरा इवन हो जाएगा। यस सर, और चलिए सेम है। और अगर मैं 4q+3 की बात करूं तो 4q+2 का नेचर जानते हो आप कैसे? अरे 4q+2 का नेचर जानते हो आप, है ना? और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4q+2+1, और 4q+2 हमारा क्या था? ये वाला 4q+2 हमारा क्या था? इवन। इवन में एक ऐड करेंगे क्या मिलेगा? ऑड। सो दिस इज ऑड। अब अगर ध्यान से देखोगे कि दो ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर ये ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड। कब ऑड मिला? अरे एक ऑड मिला कब? जब ये 4q+1 था। दूसरी बार ऑड कब मिला? जब ये 4q+3 था। यानी दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लोगे, अगर वो ऑड होना है तो या तो वो 4q+1 होगा या 4q+3 के जैसा होगा। और यही साबित करना था। इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे यस, हेंस एनी ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3। लिखेंगे यहां पर ऊपर वाला प्रॉब्लम रफ कर देता हूं। Hence, इसके नीचे से लिखना, यहां पर मैं लिखता हूं hence any positive, any positive odd number will be, odd number will be in the form of, will be in the form of 4q+1 4q+3। कहां पर? जहां पर मुझे ऑड मिला था। ऑड कहां मिला? 4q+1 पे। ऑड कहां मिला? 4q+3। बस। और आप बोलोगे सर ये वाला लिखना है क्या? यस, ये वाला लिखो ना लिखो, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आपने इवन कर दिया। ये इवन नंबर है क्योंकि यहां ब्रैकेट में डाल सकते हो डिविजिबल बाय टू, इसलिए इवन नंबर है। ये भी इवन है क्योंकि टू से आपको ऑलरेडी, इसको भी हम लिख सकते थे इसमें, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2q+1 ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी 2 से डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय 2। इसको एक्सप्लेन नहीं करना इससे ज्यादा, दैट इज मोर देन सफिशियंट। इतना लिख दिया तो सफिशियंट है कि इसमें दिखा दिया उसने कि ऑड में एक ऐड कर रहा है, या फिर इसमें ये 4q+2 था तो 2 कॉमन लेंगे तो 2q+1 तो मिल जाएगा ना यहां पर। अंडरस्टूड? सो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिविजिबल भी है, इसलिए इवन नंबर है। सो ऑफ कोर्स ऑड वाले जो केस होंगे विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3। दिस इज द आंसर। और ये चूंकि सो डेट है, हैंस प्रूव कर दो। फाइन, सो वी हैव सॉल्व दिस। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। Okay, so I will solve some of the problems, different problems based on Eagle's division lemma. And once it will finish, then I will go over fundamental theorem of arithmetics. So see you in the next class. Thank you. Take care. Yes, of course. If you like this video, I am going to upload it on the YouTube also. Definitely, you subscribe the channel and also press the bell so that the next video you can easily get it. Thank you.